Welcome everyone. How are you? Today we will study exercise 7.2 of chapter 7 cubes and cube roots of class 8 of NCERT book. Question number 1 is find the cube root of the following numbers by prime factorization method. Earlier we studied about the square root, square and square root. Now we have to find the cube root. तो क्यूब रूट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या कौन सा मेथड लगाना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, क्योंकि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में जब हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया था तो उसके टू मेथड्स थे, वन वाज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड द सेकंड वन वाज बाय डिवीजन मेथड, बट इन केस ऑफ क्यूब रूट वी विल बी अडॉप्टिंग ओनली वन मेथड, दैट इज prime factorization method. So first of all we have to find out the cube root of cube root, not cube. There is difference between cube and cube roots. अगर हमें किसी number का cube निकालना है तो हम उसकी power 3 करते हैं, that means उसको हम 3 times multiply करते हैं, जैसे हमने 3 cube लिखा तो 3 multiply 3 multiply 3. But जब हमें cube root निकालना होता है तो हम क्या करेंगे वो हम इस सम में देखेंगे. सो 64 को सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द क्यूब रूट ऑफ द नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा बिकॉज हेयर इज इवन नंबर, सो दिस विल बी 32, देन 2 16 टू ज 32, देन 2 8 टू ज 16, 2 2 4 ज 8, 2 2 2 4 and 2 2 1 2. तो इस तरह से हमने पहले क्या किया, प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए. नाउ वी विल बी राइटिंग हेयर 64 इज इक्वल टू 2 के हाउ मेनी टाइम्स, 2 1 2 3 4 5 6, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2. अब जब भी हमें क्यूब रूट निकालने के लिए कहा जाएगा तो ये जो हम प्राइम फैक्टर्स निकाल रहे हैं इनमें हमें ऑर्डर ट्रिपलेट मिलेंगे ही. अगर कहीं हमें ऑर्डर ट्रिपलेट नहीं मिलता तो दैट मीन्स हमने कहीं ना कहीं यहाँ पर मिस्टेक किया प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने में. सो यहाँ पर हमारे ऑर्डर ट्रिपलेट बन रहे हैं, 3 का सेट ये बन रहा है और 3 का सेट ये बन रहा है. तो क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है, पहले हमें ये सिंबल लगाना है जैसे स्क्वायर रूट का लगाते थे, और यहाँ पर छोटा सा 3 लगाना है. इस 3 का मीनिंग ये है कि क्यूब रूट, इसको हम क्यूब रूट बोलेंगे. अगर यहाँ पर 3 नहीं होता तो उसका मीनिंग क्या होता है, स्क्वायर रूट. तो हमने किसका स्क्वायर क्यूब रूट निकालना है, 64 का. तो क्यूब रूट ऑफ 64 इज, अब हम क्या करेंगे, इन ट्रिपलेट में से 1 1 ले लेंगे. जैसे ये एक ट्रिपलेट है तो इसमें से 1 2 ले लिया, और एक ट्रिपलेट ये है मल्टीप्लाई करके 1 2 यहाँ से ले लिया. तो दिस गिव्स अस 64. सो क्यूब रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू this is not 64, this is 4. So cube root of 64 is 2 multiplied 2 is equal to 4. इसका मतलब क्या है कि अगर हम 4 को 3 times multiply करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 64. और जब हम 64 के prime factors बनाएंगे उनमें से एक एक triplet में से एक एक number लेंगे तो हमारे पास 4 आएगा. So cube root of 64 is 4. Now second part is 512. अगेन वी हैव टू फाइंड आउट द क्यूब रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो हम पहले प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं इसके, 2 पर कैंसिल हो सकता डिवाइड हो सकता है बिकॉज वंस डिजिट इज 2. सो 2 टू ज़ 4, 2 फाइव ज़ 10 एंड 2 सिक्स ज़ 12. फिर ये 2 पर 2 वन ज़ 2, 2 टू ज़ 4 एंड 2 एट ज़ 16. देन 2, 2 सिक्स ज़ 4, 2 सिक्स ज़ 12 एंड 2 फोर ज़ 8. 64 आ गया. 2 then 32 to the 64, फिर 2 लिया 16 to the 32, then 2 लिया 8 to the 16, then 2 4 to the 8, then 2 2 to the 4. तो ये सारे हमारे पास 2 आ गए. कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास ट्रिपलेट सारे एक जैसे ही नंबर के आए, डिफरेंट नंबर्स के ट्रिपलेट भी आ सकते हैं. तो हाउ मेनी टाइम्स 2 इज, वी विल बी काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो 512 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. नाउ वी हैव टू मेक द ट्रिपलेट. तो यहाँ पर हमारे पास कितने ट्रिपलेट बनेंगे? 3. एक ट्रिपलेट ये, एक ये और एक ये. नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द क्यूब रूट ऑफ 512, हम यहाँ पर क्यूब रूट का सिंबल लगाएंगे, अंदर 512 लिखेंगे और यहाँ से हम 1, 1, 2 ले लेंगे. 1, 2 यहाँ से, 1, 2 यहाँ से और 1, 2 यहाँ से. सो 2, 2 जो 4, 4, 2 जो 8. सो 8 इज द क्यूब रूट ऑफ 512. Now, next question is, find the cube root. Third part is cube root of 10648 by prime factorization method. Again, we will be dividing this number by 2 because 1's place is 2. So, 2 se hum isko divide karenge. 2 5's are 10. 2 3's are 6. अगर आपको डिवीजन में प्रॉब्लम है, यू कैन डू द डिवीजन ऑन रफ वर्क. जैसे कि आप इसको 2 से डिवाइड करके रफ पे देख सकते हो और उसका आंसर यहाँ लिख सकते हो. वैसे तो आपको ओरल आदत होनी चाहिए कि ओरली आप 2 से डिवाइड करो, तो आपकी बिल्कुल परफेक्ट डिवीजन होनी चाहिए. और अगर आप एक दो बार रॉन्ग करोगे, नेक्स्ट टाइम आपकी सही हो जाएगी. सो यू शुड बी इन द हैबिट ऑफ डूइंग द डिवीजन लाइक दिस. जैसे मैं कर रही हूँ, मैं बिना डिवाइड किए कर रही हूँ. सो 2 5 जो 10, 2 3 जो 6, 2 2 जो 4 एंड 2 4 जो 8. Then 2, 2 2 जो 4, 2 6 जो 12, 2 6 जो 12 एंड 2 2 जो 4. Then 2, 1, 3, 3 एंड 1 कैसे आया? 2 1 जो 2, 2 3 जो 6, 2 3 जो 6 एंड 2 1 जो 2. अब ये जो नंबर है, ये अब हमें चेक करना है कि 2 से तो डिवाइड होता नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर 1's प्लेस पे 0 भी नहीं है और इवन नंबर भी नहीं है. फिर हम 3 पे चेक करते हैं. 3 पे चेक करने के लिए इनको प्लस करेंगे. 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 3 7 एंड 1 8. तो 8 जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं है, तो इसलिए 3 से भी डिवाइड नहीं होगा. 5 से 4 हमारा कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है, तो 4 से हमें डिवाइड करना ही नहीं है. 5 से चेक करेंगे तो यहाँ ना तो 0 है और ना ही 5 है, तो ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा. नेक्स्ट 7 से हम डिवाइड करके देख लेते हैं. 7 1 जो 7, 6 7 पर भी डिवाइड नहीं होता. 8 इज़ कंपोजिट नंबर. 9 भी इज़ ऑल्सो कंपोजिट नंबर. 10 इज ऑल्सो कंपोजिट नंबर. कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं. इसमें जो नंबर्स प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिन जो अपने आप से और 1 से डिवाइड हो. तो नेक्स्ट प्राइम नंबर इज़ 11 और श्योर ये 11 पर डिवाइड हो जाएगा. तो हमें क्या करना है? इसको 11 से डिवाइड करना है. 11 1 जो 11, देन अगेन 11 1 जो 11 एंड अगेन 11 1 जो 11. तो ये 1 1 1 पर डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि जब हमने 11 1 जो 11 किया, नहीं यहाँ पर ये हमारे पास आएगा 2. क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम 11 1 जो 11 करेंगे तो हमारे पास 2 रिमाइंडर बचेगा और 2 रिमाइंडर बचा, ऊपर से 3 हमने लिया, 23 हो गया. तो 11 2 जो 22, फिर हमारे पास 1 रिमाइंडर बचा, तो 11 1 जो 11. तो अब हमारे पास एक 121 आ गया. दिस अगेन विल बी डिवाइडेड बाई 11. 11 11 11 सा क्या होता है हमारे पास? 121 होता है. सो अगेन 11, तो 11 में फिर से क्या आएगा यहाँ पर? 11 1 जो 11. इन दिस वे वी कैन अडॉप्ट द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. एंड नाउ वी विल बी राइटिंग 10648 इज इक्वल टू क्या? कितनी बार 2 है हमारे पास? 3 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2. एंड 11 इज ऑल्सो 3 टाइम्स 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11. तो ये जो है हमारे पास क्या आ गया? ट्रिपलेट्स आ गए. एक 2 का ट्रिपलेट आ गया और एक 11 का. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? वी हैव टू फाइंड आउट द क्यूब रूट. हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है किसका? 10648, 10648 का. तो अगेन वी विल बी पुटिंग द सिंबल ऑफ क्यूब रूट. यहाँ 3 लगाएंगे छोटा सा, ये क्यूब रूट का सिंबल हो जाता है. 10648 इक्वल टू, अब क्योंकि क्यूब रूट लगाया है हमने, तो हमें यहाँ से 1 1 लेके उनको मल्टीप्लाई करना है. तो 2 1 2 यहाँ से लेंगे और 1 11 यहाँ से लेंगे. सो दिस विल बिकम 22. 11 2 जो 22. सो 22 इज द क्यूब रूट ऑफ 10648. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4th. क्वेश्चन नंबर 4th इज यू हैव टू फाइंड आउट द क्यूब रूट ऑफ 2700. तो यहाँ पर 000 है और हमारे क्यूब रूट होने के लिए, क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए, परफेक्ट क्यूब होने के लिए 000 होना ज़रूरी है. तो दैट मीन्स इसका क्यूब रूट तो निकलेगा ही, बिकॉज दिस इज़ अ परफेक्ट क्यूब. तो हम पहले इसको क्या करते हैं? 2 पर डिवाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ 1's प्लेस पे 0 है. 2 1 जो 2, 2 3 जो 6, 2 5 जो 10, 0 0. देन 2 2 6 जो 12, 2 7 जो 14, 2 5 जो 10 एंड 0. उसके बाद 2 2 3 जो 6, देन 2 3 जो 6 और
फिर हमारे पास आ गया है 2 7 14 एंड 2 5 10। अगेन वी विल बी चेकिंग 2 3 6, 2 3 6, 2 7 14 एंड 2 5 15, 2 5 10। तो यहाँ पर हमारे पास अब ये नंबर आ गया, हमें इसको सीरीज से चेक करना पड़ेगा क्योंकि 2 से तो डिवाइड होगा नहीं है। तो 3 + 3 6, 6 + 7 13, 13 एंड 5 18। तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 18 इज़ द मल्टीपल ऑफ 3। तो 3 पर डिवाइड करते हैं इसको, 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6 एंड 3 5 15। उसके बाद फिर से हम 3 पर करेंगे, 3 3 9 एंड 3 7 21। फिर हमारे पास नीचे रिमाइंडर 1 बचेगा और 3 5 15। अगेन वी विल बी चेकिंग दिस, दिस विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 3। तो 3 1, 3 2 6, 3 5 15। अब ये 3 पर डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 5 × 2 = 7, 7 × 1 = 8 एंड 8 इज नॉट द मल्टीपल ऑफ व्हाट, 3। 8 जो है 3 का मल्टीपल नहीं है क्योंकि इनको ऐड करके देखा 8 आ रहा है। तो हम नेक्स्ट मल्टीपल पे चेक करेंगे, नेक्स्ट प्राइम फैक्टर्स प्राइम नंबर पे चेक करेंगे, दैट इज 5। तो 5 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इसके वंस प्लेस पे 5 है। 5 2 = 10, 5 5 = 25, अगेन 5, 5 5 = 25, अगेन 5, 5 1 = 5। Now we will be writing these all factors, prime factors of 2 7 000 is equal to 1 2 3, 2 times 3, 3 times 2 and 1 2 3, 3 times 3 and then 3 times 5, 3 times 5, ये हमारे पास आ गया। And we are looking 2 is in triplet and 3 is also in triplet, 5 is also in triplet. तो cube root, or what will be the cube root of 2 7 0 0 0, that is equal to 1 2 यहाँ से लिया, 1 3 यहाँ से लिया और 1 5 यहाँ से लिया। तो 2 3 = 6, 6 5 = 30। सो 30 इज द क्यूब रूट ऑफ 27,000। जितने भी हम सम हमने सम्स किए हैं उन सब में हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हम प्राइम फैक्टर्स शो करेंगे तो हमें वहाँ क्यूब रूट का साइन नहीं लगाना है। जब हम क्यूब रूट का साइन लगाएंगे तो हमें इसमें से 1 1 लेना है, तब हमें क्यूब रूट का साइन लगाना है। अदरवाइज कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो यहाँ पर क्यूब रूट लगा देते हैं और यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि इसका क्यूब रूट जो है ये सारा है, और दैट इज़ रॉन्ग। सो यू हैव टू रिमेंबर, जब प्राइम फैक्टर्स शो करोगे तो हमें कहीं क्यूब रूट नहीं लगाना। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्यूब रूट लगाना है जब हम 1 1 ट्रिपलेट में से 1 1 नंबर कंसीडर करते हैं। सो ऑल दिस सम्स आर, ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 1 आर ऑन द सेम पैटर्न, यू कैन डू ऑल द सम्स। एंड नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है हमारे पास, सेकेंड क्वेश्चन इज राइट ट्रू और फॉल्स। हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और हमें इनको ट्रू और फॉल्स बताना है। तो हाउ कैन वी डू दिस स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फॉल्स। सबसे पहली जो स्टेटमेंट है दैट इज, नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज फर्स्ट पार्ट। अब फर्स्ट पार्ट में क्या है, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है एक स्टेटमेंट, क्यूब ऑफ एनी ओड नंबर इज इवन। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, कि किसी भी नंबर का क्यूब जो होता है वो हमेशा क्या होता है, इवन। दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ फॉल्स। जैसे मान लो हमने एक नंबर लिया 3, 3 को हमने क्यूब निकालना है तो 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 = 9 3 = 27, ये तो आ गया हमारे पास ऑड। बट अगर हम 2 लेते हैं, 2 × 2 × 2, 2 2 = 4, 4 2 = 8, तो इसका मतलब क्या है, दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू कि क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, क्योंकि हमारे पास तो ओड भी आ रहा है क्यूब, 27 इज ओड नंबर, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है दैट इज फॉल्स, फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। नाउ सेकंड स्टेटमेंट इज, ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 0, कोई भी परफेक्ट क्यूब है वो 2 0 से एंड नहीं होता, दिस इज ट्रू। क्योंकि अगर हम मान लो, जैसे हमने अभी पीछे सम किया था 27,000, ये परफेक्ट क्यूब था, लेकिन अगर 27,000 की जगह 2700 होता, 2700 होता, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं था, क्योंकि वी नो दैट इफ ए नंबर इज़ परफेक्ट क्यूब, ए नंबर हैविंग जीरोज इन द एंड इज ए परफेक्ट क्यूब, देन द नंबर ऑफ जीरोज मस्ट बी 3, उसके अंदर 3 0 होनी चाहिए तभी वो परफेक्ट क्यूब हो सकता है। तो इसलिए कोई भी परफेक्ट क्यूब 2 0 से एंड नहीं होगा, सो दिस इज
False statement. Next is third statement. If square of a number ends with 5, मान लो एक कोई नंबर है उसका स्क्वायर जो है वो 5 से एंड होता है. फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग हेयर 5 मल्टीप्लाई 5. 5 स्क्वायर क्या होता है? 5 मल्टीप्लाई 5 दैट इज 25. ये एंड किससे हो रहा है? 5 से. तो ये कहा गया है कि जो इसका क्यूब होगा वो 25 से एंड होगा. अब यहाँ पर अगर मैं 25 को फिर से 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास आएगा 125. ये 25 से एंड हो रहा है. इस केस में तो ये 25 से एंड हो रहा है कि अगर इसका स्क्वायर 25 था, 5 से एंड हो रहा था, तो इसका क्यूब मतलब कि जब हमने इसको थर्ड 5 से मल्टीप्लाई किया तो इसका क्यूब जो है वो 25 से एंड हो रहा है. बट ये सब केसेस में नहीं है, सिर्फ कुछ केसेस में है. जैसे मान लो अब हम 15 लेते हैं. हमने लिया 15 क्यूब, तो 15 को जब हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल बी गेटिंग 225. और जब हम 225 को फिर से 15 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका क्यूब निकालने के लिए 15 का, तो हमारे पास आएगा 15 5 75 एंड 15 2 30 and 7 37 एंड 3 एंड 15 2 30 and 3 33. तो ये हमारे पास कितना आया? 3375. अगेन वी विल बी चेकिंग 15 7 75 कैरी ओवर 7 15 2 30 30 and 7 37 एंड कैरी ओवर 3 एंड 15 2 30 and 3 33. तो यहाँ पर इसका जो 15 को जब हमने स्क्वायर निकाला, जब दो बार मल्टीप्लाई किया तो ये 5 से एंड हो रहा था, लेकिन जब हमने 15 को थर्ड टाइम मल्टीप्लाई किया इसी नंबर को फिर से 15 से किया इस 15 का क्यूब निकालने के लिए, तो ये नंबर आ रहा है हमारे पास लास्ट में 75. तो इसका मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर हम पहले स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं वो 5 से एंड हो रहा है तो उसका क्यूब, उस नंबर का क्यूब जो है 25 से एंड होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने देख लिया कि 25 से एंड नहीं हो रहा. कुछ केसेस में 25 से एंड होता है, बट दिस इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल द केसेस. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स. ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है? फॉल्स है. उसके बाद जो ये हमारा एक परफेक्ट, लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट है उसमें हमने लिखा है ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 जीरोस. सो दिस स्टेटमेंट इज, अगर हम इस स्टेटमेंट को इस तरह से लें कि ए परफेक्ट क्यूब एंड्स विथ 2 जीरोस, तब तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है. लेकिन अगर हम इसको इस तरह से लें कि ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 जीरोस, कि वो 2 जीरो से एंड नहीं होता, दैट मीन्स वो 3 से होता है, तो उस केस में ये क्या हो जाएगी? ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगी. लेकिन हमारी बुक में जो है वो इस फॉल्स के अकॉर्डिंग नहीं दिया हुआ, ट्रू के अकॉर्डिंग दिया हुआ है. तो सेकंड पार्ट में हमारा क्या आएगा? ट्रू, क्योंकि कोई भी नंबर जो परफेक्ट क्यूब है वो 2 जीरो से एंड नहीं होता, 3 से होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है. अगर इसमें ये कहा जाता कि ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 3 जीरोस तो ये फॉल्स होता. अभी ये दिया हुआ है कि डज नॉट एंड विद 2 जीरो, तो ये ट्रू है. नाउ फोर्थ पार्ट इज देर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 8. ऐसा कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं है जिसका एंड 8 से हो. अब जैसे मान लो हमने ये लिया 10 और 10 और 10, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, ये क्या मिलेगा हमें? 10 क्यूब लेंगे तो 10 10 10, ये किससे एंड होगा? 3 जीरो से. तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये एंड 8 से नहीं हुआ. लेकिन अगर हम 12 लेते हैं, 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12, दैट मीन्स हम 12 क्यूब फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आएगा? 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 144, और फिर इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 12 4 48, और 12 4 48 and 4 52, एंड 12 1 12 and 5 17. तो ये जो क्यूब है 12 का, ये 8 से एंड हो रहा है. और हमारी स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि क्यूब ऑफ, देर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 8. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. पहली स्टेटमेंट फॉल्स थी, दूसरी ट्रू, थर्ड जो है वो फॉल्स है, फोर्थ भी फॉल्स है. नाउ फिफ्थ स्टेटमेंट इज द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर. अगर मान लो 2 डिजिट्स का क्यूब है हमारे पास, क्यूब ऑफ 2 डिजिट्स, जैसे मान लो 10 दिया, इसका क्यूब है, तो इसका क्यूब क्या होगा? 1000. ये कितने नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं? 4 डिजिट्स आ रहे हैं. और इसमें ये दिया हुआ है कि क्यूब ऑफ
ए टू डिजिट नंबर मे बी थ्री डिजिट नंबर, कि वो थ्री डिजिट का भी हो सकता है। तो हम एक और चेक कर लेते हैं, 11 को मल्टीप्लाई किया 11 से तो 121, फिर 11 से किया क्यूब निकालने के लिए थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये वन आ गया 1331, तो ये भी फोर डिजिट का नंबर आ गया। अभी हमने 12 को किया था मल्टीप्लाई, तो ये भी हमारे पास फोर डिजिट आ रहा था। तो इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स कि क्यूब ऑफ ए टू डिजिट नंबर मे बी थ्री डिजिट नंबर। तो थ्री डिजिट का नंबर कहीं नहीं आ रहा, हमारे पास फोर डिजिट नंबर आ रहा है जब हम दो डिजिट के नंबर को ले रहे हैं। जैसे 12 था दो डिजिट्स थे, 10 में भी दो डिजिट्स हैं, 11 में भी दो डिजिट्स हैं, तो इनके दो डिजिट्स के नंबर को जब हमने थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई किया, इनका क्यूब निकाला, तो हमारे पास फोर डिजिट नंबर आ रहा है। सो फिफ्थ स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। देन नेक्स्ट इज सिक्स स्टेटमेंट, क्यूब ऑफ अ टू डिजिट नंबर मे हैव सेवन और मोर डिजिट्स, ये भी फॉल्स हो गया, क्योंकि जो दो डिजिट का नंबर है हमने चेक किया है कि दो डिजिट के किसी भी नंबर का क्यूब फाइंड आउट करते हैं तो वो हमारे पास फोर डिजिट आ रहा है, और इसमें ये लिखा गया है कि मे बी सेवन और मोर डिजिट्स, तो सेवन या ज़्यादा डिजिट्स हो ही नहीं सकते जब हम दो डिजिट के नंबर का क्यूब फाइंड आउट करेंगे। सो सिक्स स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। देन नेक्स्ट इज सेवन्थ स्टेटमेंट, द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट मे बी अ सिंगल डिजिट, कोई सिंगल डिजिट है उसका क्यूब सिंगल डिजिट हो सकता है, यस हो सकता है। जैसे हमने लिया थ्री, अब थ्री लेंगे तो यहाँ पर सिंगल डिजिट नहीं आएगा, थ्री मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री, तो ये कितना आएगा हमारे पास 27, थ्री का क्यूब 27, ये तो हो गए टू डिजिट। लेकिन ये कहा गया है कि अगर हम कोई सिंगल डिजिट लें और उसका क्यूब फाइंड आउट करें तो क्या वो वन डिजिट में भी आंसर आ सकता है, यस। अगर हम टू लें और टू का क्यूब फाइंड आउट करें तो हमारे पास क्या आएगा, टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू, दैट इज़ टू टू ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट, तो इसका क्यूब भी जो है वो सिंगल डिजिट आ गया, ये खुद भी सिंगल डिजिट था और इसका क्यूब भी हमारे पास सिंगल डिजिट में आया। सो सेवन्थ स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, इसमें ये दिया हुआ है कि क्यूब मे बी अ सिंगल, तो हो सकता है, तो हम इसको ट्रू लिखेंगे कि इसका सिंगल डिजिट में आंसर भी हो सकता है जब हम एक सिंगल डिजिट का क्यूब फाइंड आउट करेंगे। सो दिस इज़ आवर एक्सरसाइज 7.2। थैंक यू।